कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी के तीसरे स्वरूप श्री गुरु अमरदास जी महाराज पले परिवार के पैदा हो और मेरे साईं जी भी नकोदर विखे पले परिवार के पैदा हो और मेरे वालों कही हुई गल किसी के दिल विच भी गलती नाल भी कोई ठेस पहुंचा गई होवे तां मैं उस लई 100-100 बारी माफी मांगा। पंजाब दे मन्ने परमन्ने गायक गुरदास मान जो कि कल अपनी नकोदर मेले दी वायरल हुई वीडियो नू लेके विवादां दे घेरे विच आ गए सी, उन्होंने उस वीडियो ते मामला भगदा वेख के सोशल मीडिया ते माफी मंगी है। उन्होंने वीडियो सांझी करदिआं कहा कि मैं श्री गुरु नानक पातशाह जी दे प्यारियां अपने गुरुआं दे अपमान बारे कदे भी नहीं सोचिया। फिर रही गल गुरुआं दी तुलना दी तां ओह जन्मां जन्मांतरां तक किसी नाल भी नहीं हो सकती। मैं सोच भी नहीं सकता कि यह जहा मैं किमें बोल गया। फिर भी जेकर अपने पीर मुरशद के प्यार विच गुम होया मेरे तो ऐसे बोल निकल गए जिन्हां नाल किसी दे दिल नूं ठेस लगी तां मैं 100-100 वार हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। हुण तुहानूं यह भी दस दिंदे आ कि यह पूरा मामला है की सी। बीते दिन नकोदर मेले विच अपने साई मुरशद की याद विच झूमदे गुरदास मान ने अपने मुरशद नूं गुरु अमरदास जी दे वंश विचों दस्या सी, जिसनों लैके उस सिख जगत वालों पूरी तरह नाल विवादों के घेरे विच आ गए सी, जिसनों लैके उसते कार्रवाई की मंग भी की गई सी, नाल ही लोगों वालों उसके घर का घिराओ किया जा रहा सी, जिसके चलदे गुरदास मान ने मामला भखदा वेख के सोशल मीडिया राही सब तो माफ़ी मंग ली है। थोड़े इस लैके की विचार ने तुसी अपने कमेंट्स राही दस सकते हो। श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्यारे गुरमुखो, बाबा मुराद शाह जी के डेरे विच होई गल अपने गुरुआं दा अपमान करन दी कदे भी नहीं हो सकती, क्योंकि संत का निंदक महा अताई, संत का निंदक ठिन टिक न पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुरु साहिबाना दी किसे नाल तुलना नहीं हो सकती। हाँ, मैं इस गल दा जिक्र कीता सी कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी दे तीसरे स्वरूप श्री गुरु अमरदास जी महाराज पले परिवार दे विच पैदा हो और मेरे साईं जी भी नकोदर विखे पले परिवार दे विच पैदा होए। हाँ, एक गल मैं जरूर की है, मगर गुरु साहिबाना की तुलना किसी नाल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सतगुरु ने, परम सतगुरु ने, आदि गुरु ने, उन्हों का अपमान किस तरह हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। और मेरे वालों कही हुई गल किसी के दिल विच भी गलती नाल भी कोई ठेस पहुँचा गई होवे तो मैं उस लई 100-100 बारी माफ़ी मांगा। और अपना ख्याल रखना, सेहत तंदुरुस्ती परमात्मा बनाई रखे, एक इतफाक मुहब्बत बनाई रखे। इन्हां गल्लां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।